गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बिगिनर क्लासेस में। प्रहलाद लेके आऊं आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का स्पेशली बॉटनी का दूसरा पेपर, जिसमें हम डील कर रहे हैं एल्गी को, उसका ये तीसरा लेक्चर क्लास है। इसके दो वीडियो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर्स को। उसके पहले बता दें स्टूडेंट, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्लास की अपडेटिंग मैं लगातार आपको देता रहूं, जिसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती रहे। देखिए, और एक नोटिफिकेशन आपको देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा। सारे प्लेलिस्ट को बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी प्लेलिस्ट हैं उनको चेक करके अपने स्टडी को, जो भी आपके वीडियो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते रहिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जल्द ही जारी किया जाएगा बीएससी का भी। बीएससी का मतलब स्पेशली बॉटनी का, जूलॉजी का एक पेपर हो चुका है, आप उसको सॉल्व करते रहिए। मैं बॉटनी का जल्द ही आपको देने वाला हूं। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं रेंज ऑफ थैलस। ये कह सकते हो थैलस संरचना के विविध रूप कौन कौन से इसके रूप है, क्या उनमें डिफरेंट होगा, सबके स्पेशली कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में देखा जाएगा। तो चलिए, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आपके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में लगातार आया हुआ है। यदि आप हो सके तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को चेक करिएगा, जब आपको अपलोडिंग मिलेगी तो वहां पे हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन थैलस का दिया जाए, क्योंकि थैलस एक ऐसा क्वेश्चन है जो बीएससी के फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकेंड्स में लगातार कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में आता रहता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स के, और पुराने स्टूडेंट्स से अनुरोध करना चाहेंगे एक जोरदार लाइक की, कि लाइक करके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट्स की, तो ये देखते हैं कि इनमें जो हमारे क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। एल्गी में स्पेशली वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। जैसे स्पेशल कुछ होते हैं जो कैसे होते हैं, एक कोश के होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, वो भी ट्रॉपिकल यूनिसेलुलर होते हैं। और जो कुछ होते हैं वो मल्टी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं, काफी जटिल होते हैं। इन्हीं के वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हमारे जो एल्गी होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब साइज में माइक्रोन में होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। और कुछ एल्गी जैसे हैं काफी बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? काफी इनके थैलस बड़े होते हैं, जो हम काफी ऐसे बाहर के आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं, ठीक। अब देखो यहां पे क्या है, मैं स्पेशली डिवाइड किया गया है। कैसे स्पेशली ये डिवाइड किया गया है? यहां पे हम छोटे छोटे पांच, आपको दिखाई दे रहा होगा, हम यहां पे पांच छोटे छोटे टाइप्स को लेके आए हैं। जो पहला है वो हमारे पास क्या कह रहा है, नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। नंबर फर्स्ट हमारे पास ये जो पहला ग्रुप आपको बताएगा वो पूरा का पूरा यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर फॉर्म है, ठीक। अब इधर वाले पहले वाले यूनि है, और उसके बाद ये नंबर टू की बात करना, और ये नंबर थ्री है, ठीक। उसके बाद ये नंबर फोर आ जाएगा, और ये नंबर स्पेशली फाइव है। तो यहां से बात करेंगे टू और फाइव तक जितने भी हमारे एल्गी आएंगे वो हमारे मल्टी सेलुलर होंगे। क्लियर हो जाएगा, ठीक, हो गया क्लियर। ये जो हमारा एल्गी, इसमें हम पढ़ेंगे सारे के सारे कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक कोश की होंगे। और ये जो दूसरे से लेके पांचवे तक, मतलब हमारा जो कॉलोनियल है और फिलामेंटस है, ठीक, और हमारे पास क्या है, साइफोनियस है, उसके बाद पेरिकाइमी है, ठीक। ये हमारे पेरिकाइमन, ये हमारे जो चार हैं ये स्पेशली मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इनके थैलस अरेंज होते हैं। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। अब देखो ये जब अलग अलग फॉर्म में है, क्या है, अलग अलग फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमको सबको अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ना है, क्योंकि इनमें डिवीजन होता है, ठीक। इनमें डिवीजन होता है, डिवीजन के दौरान इनमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन के दौरान ढेर सारे एक्टिविटी होंगे, ठीक। तो सबके एक्टिविटी को हम बारी बारी से देख लेते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग कवर करिएगा यहां से, यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म मतलब एक कोश की, एक कोश की रूप। क्लियर हो गया। देखो जब एक कोश की रूप की बात करते हैं तो यहां पे सबसे सिंपल चीज निकल के आता है कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी हमारे एल्गी होते हैं वो कैरोफाइसी, कैसे, कैरोफाइसी और फिजोफाइसी, याद रखिएगा, कैरोफाइसी और फिजोफाइसी के वर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे क्लास होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी हमारे क्लास होते हैं सबकी बात करना, ठीक।
सबकी बात आप करेंगे, सारे क्लासेस स्पेशली इसी में आ जाएंगे, किसमें, हमारे यूनिसेलुलर। बस दो हमारे क्लास अलग अलग से हैं, कौन कौन सा, क्रियोफाइसी और यहाँ फिर फिजोफाइसी, वो काफी डिफरेंट दिखाता है। ठीक, आगे बात करेंगे। और इनमें स्पेशली जो बॉडी होता है वो अनसेलुलर होता है। कैसा होता है, अनसेलुलर भी हो सकता है, एक कोश की तो है, ध्यान रखिएगा, एक कोश की तो बॉडी पाया जा रहा है, बट ये कैसे हो सकते हैं, वो अनसेलुलर हो सकते हैं, मतलब अकोश की, इसको हिंदी में कहते हैं, हो सकता है इनके बॉडी में सेल स्ट्रक्चर्स ना दिखे। और हम बात करेंगे इनके बॉडी में जो सेल के डिफरेंट, कह लो कि अलग अलग सेल के डिफरेंट होंगे, ठीक, और इनकी पूरी बॉडी में, पूरी मतलब पूरी बॉडी में एक सेल होगा और वो पूरे लाइफ टाइम एक ही सेल हो जाता है। कैसा होता है, पूरे लाइफ टाइम एक ही सेल रहता है, मतलब ये कह ले कि सेल्स डिवीजन होगा भी तो दो बनेंगे तो एक डेथ हो जाएगा, बस केवल एक ही बनेगा। इनके पूरे लाइफ टाइम में केवल केवल एक सेल पाए जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स के, तो यहाँ पे छोटे छोटे चार टाइप्स दिए गए हैं, फोर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है स्पेशली इन्हीं हमारे पहले सेलुलर फॉर्म को, यानी एक कोश की रूप को। तो नंबर फर्स्ट यहां से कवर करिएगा आप, नंबर फर्स्ट हमारे पास आया है राइजोपोडिया। क्या है, राइजोपोडियल यूनिसेलुलर। तो यहां पे राइजोपोडियल यूनिसेल्स की बात करेगा, तो चलते हैं देख लेते हैं इनको क्या कहते हैं। राइजोपोडियल जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, राइजोपोडियल जो कोशिकाओं में होते हैं, स्पेशल इनकी जो आउट ऑफ लेयर होती है वो कैसी होती है, वो अब्सेंट होती है। कैसी होती है, अब्सेंट होती है। ये कह सकते हो कि इनमें राइजोपोडियल यूनिसेल्स के जो हमारे स्पेशली क्या होंगे, एल्गी होंगे, उनमें सेल वॉल अब्सेंट होता है। क्लियर रहेगा। और जो हमारा पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, क्या होता है, प्लाज्मिक कंडीशन होता है, वो प्रोटक्शन कह सकते हो या प्रोजेक्शंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, प्रोजेक्शंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। वो क्लियर होगा। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो हमारे प्रोजेक्शन के फॉर्म में डेवलप होते हैं, जिनके द्वारा क्या होते हैं, अमीबाई, क्या होते हैं, यहाँ पे अमीबाइड मूवमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें, अमीबाइड मूवमेंट्स, याद रहेगा, इनमें अमीबाइड मूवमेंट्स भी देखे जाते हैं। और यहाँ पे जो सेल है वो सेल वॉल अब्सेंट होने के वजह से, क्या होते हैं, सेल वॉल अब्सेंट होने के वजह से इनकी जो सेल साइज होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। कैसे होती है, काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। ठीक, तो मैं दे रहा हूँ एक छोटा सा फिगर, कैसा, एक छोटा सा फिगर दे रहा हूं किसका, स्पेशली इसी राइजोपोडियल यूनिसेल का या फिर यूनिसेल्स का। ये छोटा सा फिगर है, आप इसको देख लीजिए, आपको सेफ साइज क्लियर हो जाएगा। ठीक, और इनके जो बॉडी में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होने के वजह से इनका जो शेप और साइज है वो लगातार चेंजेबल होता है। कैसा होता है, लगातार चेंजेबल होता है। यदि हम एग्जांपल की बात करें तो ढेर सारे एग्जांपल हैं, कैसे हैं, ढेर सारे हमारे एग्जांपल हैं। इनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है राइजो, क्या आता है, राइजो क्राइसिस इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद क्राइसोफाइसी, क्या है, या फिर इसको क्राइसोफाइसी, इसके जेंथोफाइसी, ठीक, क्राइसोनिबा की इसको कहते हैं, क्राइसोनिबा, ठीक, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल स्पेशली राइजोपोडियल यूनिसेल्स में आते रहते हैं। ठीक, अब देखो, जब इतना क्लियर करने के बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर को, यानी ये क्या कह रहा है यहाँ पे, फैजिलेटेड यूनिसेल्स। फैजिलेटेड यूनिसेल्स मतलब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, कसाविका या कसाविक एक कोश की। अब देखो, साइनोफाइसी क्या है, साइनोफाइसी और फियोफाइसी जो है, पियोफाइसी इसको कहते हैं, पियोफाइसी, साइनोफाइसी और स्पेशल रोडोफाइटिफाइसी वर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी एल्गी होते हैं वो स्पेशली फैजिलेटेड होते हैं। जैसे आप क्लैडियोमोनास को देखे होंगे, फैजिलेटेड फॉर्म में होते हैं, मतलब इनकी बॉडी से एक फैजिला या फिर एक से अधिक फैजिला डिफरेंट नंबर में, डिफरेंट टाइप्स के इनके बॉडी में फैजिला बाहर की तरफ दिखाई देता है। इतना
तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो जब अलग अलग फैजला दिखाई देता है, हो सकता है जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी वर्ग की। क्लोरोफाइसी जो हमारा क्लास है स्पेशल, उसमें जो जितने भी हमारे एल्गी पाए जाते हैं उनके बॉडी में या फिर कह लें उनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स है उसमें हमारे जो स्पोर्स बनते हैं और गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स के समान दो छोटे छोटे हमारे फैजिलेटेड फॉर्म दिखाई देते हैं। ठीक, वहाँ पे डाइनोफाइसी है, क्या है, डाइनोफाइसी है, जेंथोफाइसी है। इन वर्गों में भी हमारे ऐसे दो कसाविका यानी दो वहाँ पे फैजिलेटेड फॉर्म दिखाई देते हैं और इनकी जो सेफ साइज होती है वो अलग अलग हो सकती है। कैसी होती है, अलग अलग हो सकती है। यदि बात करें इसी के विपरीत तो हमारा क्या है, यूग्लिनोफाइसी है। यूग्लिनोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उसमें भी एक फैजिला लगा होता है। कैसा होता है, एक फैजिला लगा होता है, मतलब ये कह लो यूग्लिनोफाइसी में एक फैजिला होता है, बट इनके बाद जितने भी हमारे फैजिलेटेड फॉर्म होते हैं सब में दो या दो से अधिक फैजिला देखने के लिए मिल जाएगा। इतना तो क्लियर हो ही जाएगा, क्लियर है। अब देखो जो फैजिला होता है वो हमारे एल्गी के आउट ऑफ या कह लो कि एपिकल पोर्शंस पे डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं, एपिकल पोर्शंस पे डेवलप होते हैं। बात करें यहां एग्जांपल की तो एग्जांपल में सबसे अच्छा आपके पास है यूग्लिना। जो यूग्लिना है वो यूग्लिनोफाइसी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करेंगे इनमें क्या होता है, इनमें स्पेशली यूग्लिना में वहां पे कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है, वहां पे पेलिकल की एक लेयर होती है, सेल वॉल यहाँ भी अब्सेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो हमारा सेल वॉल पाया जाता है वो क्लोडोमोनास होता है। क्या होता है, क्लोडोमोनास होता है। क्लोडोमोनास में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं। यदि बात करेंगे और आगे, यहाँ पे फैक्टिस है, क्या है, फैक्टिस है। फैक्टिस में भी स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, उनमें भी हमारे सेल वॉल बहुत अच्छे से चारों ओर प्रेजेंट होते हैं जो कैल्शियम के जैसे मटेरियल से डेवलप होते हैं। ठीक, जब इतना हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, मेरा इतना क्लियर हो जाता है तो अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर में हमारे यहाँ पे क्या करा है, ठीक, तो तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे सर्पिल तंतु की बात करेगा, स्फेरिकल की बात करेगा कि स्फेरल जो हमारा है वो कैसा स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाता है वो भी यूनिसेलुलर फॉर्म में, तो क्या कहता है इसका बेस्ट एग्जांपल। देखिएगा ये जैसे भी हमारे एल्गी होंगे ये कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और ये कैसे होते हैं, कोलाइड फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, कोलाइड कह सकते हो कि मतलब एक कुंडली रूप, कैसे कुंडली रूप या फिर एक डंडे की तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में और दिखाई दे सकते हैं। एग्जाम्पल बात करेंगे कुछ हमारे जैसे साइनोफाइसी, क्या है, और यहाँ पे साइनोफाइसी का एक है स्पाइरुला, क्या है, स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना, ठीक, क्लियर। स्पाइरुलाइना जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये भी फिगर आप दिखाई दे सकते हैं, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों फिगर आपके स्पेशली उसी दोनों के हैं। ठीक, मैं फिगर बीच बीच में देता रहता हूँ जिससे आप सही तरीके से स्क्रीनशॉट करके अपने वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इतना क्लियर करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नॉन मोटाइल, क्या है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, मतलब इसमें कोई भी मोटाइल मतलब स्थिति नहीं होगी, वो लोकोमोशन नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए नाम से पता चल रहा है नॉन मोटाइल का मतलब इनमें जो भी एल्गी पाया जाएगा, जो भी सवाल पाया जाएगा उनमें लोकोमोशंस नहीं होंगे। क्या होंगे, लोकोमोशंस नहीं होंगे, मतलब इनमें फैजिला सिलिया जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई देंगे। और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो स्पेशली सेल वॉल काफ़ी अच्छे कंडीशन में देखने के लिए मिल जाएगा। जब सेल वॉल काफ़ी अच्छे कंडीशन में मिल जाएगा तो स्पेशल इनमें हम यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा साइनोफाइसी है, क्या है, साइनोफाइसी का बेस्ट एग्जांपल नजर आता है, जो काफी अच्छे प्लास्टिड फॉर्म, बट इनमें प्लास्टिड फॉर्म अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस होता है बट प्लास्टिड का अभाव होता है। ठीक, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रूकोकस है जो क्लोरोफाइसी वर्ग का एक कैलोनान मोटाइल हमारा प्रारूप दिखाता है, याद रहेगा क्रूकोकस, क्लियर। देखो क्रूकोकस हो गया और इसके बाद जो कुछ एक सेलुलर मतलब अगति करने वाले मतलब नहा नहीं चलने वाले कुछ हमारे क्या है एल्गी हैं, उनमें एक आता है सिंपल सा नाम डायटम्स हैं, क्या है, डायटम्स भी हमारे क्या करते हैं, सही तरीके से नहीं तैर पाते हैं। ठीक, इतना हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखो हमारा जो यूनिफॉर्म क्लियर हो जाता है, क्या होता है, जब हमारे यूनिफॉर्म क्लियर हो जाते हैं तो हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ, यानी यहाँ पे सिंपल सा नाम आएगा कॉलोनी
कोनोलियल, क्या है कोनोलियल स्पेशली फॉर्म, इसको निवही फॉर्म कहते हैं, निवही हिंदी में कहते हैं, निवही फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलोनी के फॉर्म की बात करें, कौन कौन से कॉलोनी में रहते हैं इनकी बात करेंगे सिंपल सा। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं इनके पॉइंट्स की तरफ। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में ये देखेंगे कि इनमें जितने भी एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, जितने एल्गी होते हैं वो स्पेशल और क्या होते हैं कॉलोनी फॉर्म में, मतलब कॉलोनी के फॉर्म में ये स्थित होते हैं, या फिर इनकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो स्पेशली सेल्स डिवीजन या फिर स्पेशल जो हमारे मदर सेल्स होते हैं, मदर सेल्स के द्वारा होता है। और इनकी बॉडी पे, इनकी बॉडी के ऊपर आउट ऑफ लेयर पे एक म्यूकस मटेरियल, क्या होता है एक म्यूकस या म्यूसिजिनस मटेरियल या मिक्सचर एकत्र हो जाता है, क्या होता है एकत्र हो जाता है, जिससे ढेर सारे जो सेल्स होते हैं आपस में चिपक कर एक सेल जैसे स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट या फिर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यदि बात करेंगे जो बाद में क्या करते हैं एक कॉलोनी के फॉर्म में डेवलप कर जाते हैं, और इनमें ऐसा देखा जाता है दिन पे दिन में डिवीजन होता है, क्या होता है डिवीजन हो सकता है। बट इनमें एक एग्जांपल आता है वॉलवॉक्स का, वॉलवॉक्स और कुछ अन्य जो हमारे स्पेशली कॉलोनी फॉर्म दिखाते हैं उनमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है, मतलब वो पृथक नहीं किए जा सकते, वो आपस में इकट्ठा ही रहते हैं। मतलब उनके मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे यदि हम इनको डील करें, किसको, इस पूरे फॉर्म को, यानी जो हमारा कॉलोनियल फॉर्म है इनको हम यदि डील करते हैं तो वहाँ पे हमको चार स्पेशली छोटे छोटे ब्रांचेज निकल के आएंगे। तो पहले नंबर पर हम डील कर लेते हैं इसको, ठीक। तो पहले नंबर पे हमें यहाँ पे सोनोवियम को बात करेंगे, किसकी, और सीने या सोनो, इसको सीनो कहते हैं, सोनोवियल। तो सोनोवियल की बात करेंगे स्पेशली, और जो हमारा सिनोवियल है इनका क्या कहते हैं, देखो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा मिक्सचर लोग कहते हैं, कुछ लोग इनको सोनोवियन कहते हैं और कुछ लोग इनको सिनोवियन कहते हैं। तो सिनोवियल जो है वो इसका बेस्ट नाम होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है सीनो है, सिनोवियल फॉर्म है। तो सिनोवियल फॉर्म की हम बात करेंगे सिंपल से बेसिस पे। तो देखो इनमें जितने भी हमारे स्पेशल एल्गी होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं, स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हुए आते हैं। तो इनमें ढेर सारे डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। यदि बात करें इनके सबसे बेहतर कमेंट्स की, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस टाइप के जो पूरे के पूरे एल्गी होते हैं वो स्पेशल कॉलोनी फॉर्म में डेवलप होते हैं, और इनमें जो सेल्स का नंबर होता है वो निश्चित होता है, यानी यहाँ पे सेल्स जो होंगे वो डिफाइंड सेल्स होते हैं, और इन सेल्स का जो पूरा का पूरा एक लेयर होता है या क्रम होता है वो काफ़ी विशिष्ट होता है, मतलब स्पेशल लेयर में या स्पेशल सीरीज में सारे के सारे सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सिनोवियम के नाम से हम जानते हैं। ये सिनोवियल है, सिनोवियल फॉर्म है, और इनके जो संरचना होती है, इनकी कॉलोनी होती है, इनको हम सिनोवियम कॉलोनी के फॉर्म से जानते हैं। और इनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स की संख्या होती है, उसमें जो शिशु होते हैं मतलब चाइल्ड्स होते हैं, चाइल्ड एल्गी होता है, उनकी अवस्था का निर्धारण हो जाता है, यानी कौन कौन से फेजेज में आए हैं, क्योंकि इनमें सेल्स डिवीजन हो रहा है और सेल्स डिवीजन में सेल्स बनेंगे ही, और इनमें लगातार सेल्स डिवीजन के दौरान इनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, इनकी शेप और साइज लगातार बढ़ती रहती है, और इनमें जो गतिशील है क्या है, मतलब लोकोमोशंस के लिए स्पेशल कसाविका होता है, यानी फैजला पाया जाएगा, कैसा होगा फैजला पाया जाएगा, आपको इतना एग्जाम्पल याद होना चाहिए। और एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ सबसे पहले आता है सिनोवियम, क्या आता है सिनोवियम आता है, उसके बाद यहाँ पे यूडोराइना है, यूडोराइना आ जाएगा, वॉल्वॉक्स आ जाएगा, ठीक। और जो कुछ होते हैं, कुछ हमारे नॉन मोटाइल भी होते हैं जिनमें स्पेशल फैजला जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं देखे जाते, ये जो हमने बताया अभी ये सारे के सारे फैजला वाले थे, बट कुछ हमारे जो होते हैं उनमें फैजला नहीं होता है। जो हमारे नॉन मोटाइल होते हैं जिनमें फैजला जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं देखे जाते, जिसमें फैजला देखा जाता है, ये उन्हीं के साथ लगातार लगे हुए होते हैं, मतलब उन्हीं के साथ अपने आप पूरे के पूरे जीवन पर्यंत चिपक कर संलयित होकर पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। यदि बात करेंगे कुछ नॉन मोटाइल फॉर्म के, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रो, क्या हाइड्रोडिक्टियन,
क्या है, हाइड्रोडिक्टियान एक स्पेशल एल्गी है जो हमारा नॉन मोटाइल कंडीशन में होता है, कॉलोनी फॉर्म में होता है, बट वो अपने साथ लगभग पाए जाने वाले जो हमारे क्या हैं कि और दूसरे एल्गी हैं उनके साथ चिपक कर पूरे बॉडी मतलब पूरे जीवन पर्यंत उनकी बॉडी से एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक लगातार जाता रहता है। वही बात करेंगे दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, स्पेशली आ रहा है यहाँ पे स्पेशली कंडीशन रहता है पाल्मिलाव्स, इसको पाल्मिलाइड कहते हैं। तो पाल्मिलाइड कंडीशन जो है वो क्या कहलाता है, तो पाल्मिलाइड कंडीशन को डील करते हैं छोटे छोटे एग्जांपल में। तो यहाँ पे सबसे कंडीशन आएगा ये क्या है, सिनोबियल या सिनोबियम के विपरीत स्पेशल। हमने देखा ना ये जो सिनोबियम है इसके ठीक उल्टा है, इनके सेल्स में डिवीजन तो होते हैं, इनके कॉलोनी सेल्स में डिवीजन होते हैं, बट इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो नंबर था, जो हमारा नंबर आता है वो स्पेशली कैसा होता है, वो डिफाइन होता है, नंबर यहाँ पे डिफाइन होगा, बट यहाँ पे जो नंबर होगा वो डिफाइन नहीं होगा, या फिर यहाँ पे जो सेल्स के डिवीजन दोनों जगह होते हैं बट यहाँ पे एक निश्चित संख्या तक होता है, बट यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं होता है, वो लगातार सेल्स का डिवीजन करते रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। और इनकी सेल्स की डिवीजन करने की वजह से इनकी जो शेप और साइज होती है, अनकंडीशनल सेल्स डिवीजन होते हैं जिसकी इनकी शेप साइज लगातार चेंजेबल होती है या फिर अनिश्चित होती है। और यहाँ पे बात कर लें इनकी जो आउट ऑफ लेयर होती है वहाँ पे म्यूकस या म्यूजिलेसिस मटेरियल ढेर सारे निकलते हैं, वो भी म्यूकस तो निकल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, म्यूकस तो निकल रहे हैं बट ज़्यादा निकल जाते हैं, जिनकी आउट ऑफ सरफेस होती है वो काफ़ी चिकनी हो जाती है। कैसी होती है, काफ़ी चिकनी हो जाती है। क्लोरोफाइसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्यूफाइसी भी क्या है, साइनोफाइसी इसका बेस्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट आता है। यदि बात करें एग्जाम्पल की तो टेट्रास्पोरा क्या है, टेट्रास्पोरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल नजर आता है। उसके बाद क्लेमेडोमोनास भी इसके स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आता है। वहीं बात करेंगे डेंड्राइड स्ट्रक्चर्स की नंबर थ्री में हम देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म कहता है, एकदम सिंपल फॉर्म कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पेशली कैसे होते हैं, हमारे पहले जो पॉलीमरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके जैसे होते हैं, बट इनकी जो शेप और साइज होती है वो भी अनिश्चित होती है, और ये भी कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे जो म्यूकस होता है म्यूकस के द्वारा क्या होते हैं, इनके जो म्यूकस होते हैं म्यूकस के द्वारा एक ब्रांचेज से दूसरी ब्रांचेज को ये लगातार संगठित करने का कार्य करते हैं। आपको मैं एक फिगर दिखाना चाहूँगा, इस फिगर में आप बड़ा आसानी से देख सकते हैं कैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या है, म्यूसीजिनेस क्या है, म्यूसीजिनेस यहाँ पे ढेर सारे ट्राइड्स दिखने के लिए मिलते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए काम करते हैं। इतना क्लियर होगा। और ये पूरे और इनके जो कानू स्पेशल कॉलोनी होती है, कॉलोनी में ये एक शाखा से मतलब एक ब्रांचेज होती है, और ब्रांचेज में पौधे के रूप जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि ब्रांचेज का सही डेवलपमेंट इसी वाले सीरीज से होके आया है। ठीक, यदि बात करें किसी एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारा स्पेशल क्राइसोफाइसी जो है, क्या है, क्राइसोफाइसी जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, बट यदि हम प्योर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्राइसो डेंड्रॉन क्या है, क्राइसो डेंड्रियन जो है, डेंड्रॉन कैसे हैं उसको, क्राइसोडेंड्रॉन जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब नंबर बात करते हैं अगले की, नंबर फोर की। नंबर फोर में क्या कह रहा है, नंबर फोर में यहाँ पे राइजोपोडियल क्या है, राइजोपोडियल कंडीशन की बात कर रहा है। राइजोपोडियल जो हमारा कॉलोनी होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो राइजोपोडियल द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं, राइजोपोडिया द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। अभी हमने राइजोपोडिया कंडीशन यहाँ पे देखा था, यहाँ पे वही कंडीशन है बट यहाँ पे सेल्स था, यहाँ पे वो उसके द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं, उसके द्वारा जुड़े होते हैं। क्राइसोफाइसिस का बेस्ट एग्जाम्पल आता है, और उसमें एक एग्जाम्पल है, शायद हमको नाम और स्पेशल आ रहा है याद, क्राइसोडिक्टियम क्या है, क्राइसोडिक्टी स्ट्रम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो अब देखो मैं नीचे दे रहा हूँ, लिख लेना यहाँ पे। ठीक, आप क्योंकि आपको याद होगा तो आप कॉपी करते समय सही से उसको बना सकते हो, हो सके बोलने में आप लिखते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो मैं फिगर भी दे रहा हूँ और नाम भी, दोनों को आप सही तरीके से
लिख सकते हैं। यदि बात करें अगले नंबर की यहाँ पे फिलामेंटस कंडीशन की, अब देखो हमने अभी तक इतने पॉइंट्स को डील कर लिया, अब बात करते हैं अगले कंडीशंस की इस वाले फाइल्स की। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की बात करेंगे, ये इसके और सब ब्रांचेज है। क्या है? सब ब्रांचेज है। यहाँ पे फिलामेंटस का मतलब सिंपल सा है कि इनकी जो सेल्स होती है वो ढेर सारे यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन, क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब इनमें फाइबर्स अब देखे जाएंगे, अब देखो फाइबर देखे जाते हैं और इनमें जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब पृथक पृथक ना होकर एक दिशा में जुड़े होते हैं। ये कह सकते हो कि अलग अलग तो हो सकते हैं बट एक लंबी सीरीज में जुड़े होते हैं। इतना क्लियर करने के बाद आगे चलते हैं। और जब सेल्स जुड़े होते हैं तो वो आगे जुड़कर एक स्पेशल फाइबर्स का डेवलपमेंट करते जाते हैं। इतना क्लियर होगा। जब फाइबर्स का डेवलपमेंट करते हैं स्टूडेंट तो उनके कंडीशनल क्या है, उनके कंडीशन में, एक मिनट, उनके कंडीशंस में क्या होते हैं, ढेर सारे सेल्स दिखाई देने लगते हैं और जो ये सेल्स होते हैं वो वन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? वन डायरेक्शनल, वह इनको मोनो एक्सिस के फॉर्म में हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनो एक्सिस कहते हैं। बट आगे चलकर कुछ डिफरेंट हमारे यदि एसोसिएशन की बात करेंगे वहां पे हमारे ढेर सारे मल्टी एक्सिस की बात करेंगे, ढेर सारे ब्रांचेज जैसे निकल सकते हैं बट ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, केवल हम यहाँ पे ब्रांचेज स्ट्रक्चर्स ही देखने के लिए मिलते हैं। यदि बात करें इस एग्जांपल की तो दो छोटे छोटे एग्जांपल हैं, दोनों को हम डील कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे यूनी ब्रांचेज फिलामेंटस, मतलब एक ब्रांच वाले की बात करेंगे नंबर फर्स्ट में। किसकी? एक ब्रांच वाले की बात करेंगे कि एक ब्रांच वाला क्या है। देखो एक ब्रांच का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिंपल ब्रांचेज होगा, वो भी कैसा होगा, नॉन ब्रांचेज कंडीशन होगा। सिंपल ब्रांच होगा वो भी नॉन ब्रांचेज होगा, मतलब ब्रांच के ब्रांच नहीं होंगे, एक ही ब्रांच होगा। और स्पेशल जो इसमें एल्गी पाया जाएगा, क्या इसमें एल्गी पाया जाएगा, उसका जो कंडीशन होगा क्या होगा, उनका कंडीशन होगा वो स्पेशली होगा, मतलब स्पेशल तैर सकता है। कैसा? तैरता हुआ दिखाया जाता है, वो भी फ्री अनब्रांचेज है। यदि बेस्ट एग्जांपल आप देखे होंगे बचपन में स्पाइरोगायरा, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको फिगर दिखाना चाहूंगा, लो भाई फिगर देख लो, जो स्पाइरोगायरा है वो सेम कंडीशन दिखाता है। किसका? वन ब्रांचेज कंडीशंस का। स्पाइरोगायरा सबसे बेस्ट एग्जांपल नजर आता है। और जो किसी भी आधार से यानी किसी भी बेसिक पार्ट से किसी भी सबस्ट्रांस से चिपक कर, जैसे ये सबस्ट्रांस हो गया, इस पे ये स्पाइरोगायरा हो गया, तो इस पे ये चिपक गया, चिपकने के साथ आपस में ये काम पूरा का पूरा जीवन पर्यंत जुड़ा होगा। और आप देखो किसी बेस से चिपकने वाले में क्या है, स्पाइरोगायरा जो है वो तैरता रहता है, याद रखना स्पाइरोगायरा फ्री वाटर में फ्री मोशंस करते हैं। बट जो चिपकने वाले हैं उसमें यूरोथ्रिक्स यूरोगोनियम, यूरोथ्रिक्स यूरोगोनियम, और यदि कॉलोनी फॉर्म में कहेंगे तो नॉकस्टान आर्सीटोलो आर्सी क्या है आर्सीलेटोलोरिया क्या है आर्सीले टोरिया, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये कैसे हैं? सबस्ट्रांस से चिपकने वाले हैं, यूरोथ्रिक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, यूरोगोनियम भी आप रख सकते हो। ये बात करेंगे दूसरे नंबर पे यहाँ पे ब्रांचेज फिलामेंटस की, कि जो ब्रांचेज फिलामेंटस फॉर्म है वो क्या कह रहे हैं। देखो ब्रांचेज का मतलब आप सिंपल सा नाम समझ रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे फंग क्या होंगे, एल्गी होगा, उनमें ब्रांचेज होंगे, उनमें यहाँ पे ब्रांचेज नहीं थे, यहाँ पे ब्रांचेज होंगे। अब देखो जो ब्रांचेज होते हैं कैसे होते हैं, जो ब्रांचेज होते हैं स्पेशली उनमें ढेर सारे और कह दो लेटरल कैसा होता है, लेटरल आउट ग्रोथ निकलता है, क्या होता है, लेटरल आउट ग्रोथ निकलता है, याद रखना लेटरल आउट ग्रोथ निकल जाता है। और इससे क्या होता है, ढेर सारे और धीरे धीरे ब्रांचेज निकलने लगते हैं और जो लास्ट में टूटकर ढेर सारे स्ट्रक्चर्स को हमारा निर्माण कर देता है। यदि बात करें एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल में साइनोफाइसिस का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। कैसा होता है? साइनोफाइसिक के वर्ग के जो साइटोनिमा है, क्या है, साइटोनिमा है, वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। तो साइटोनिमा को आप बड़ा आसानी से देख सकते हो। ठीक, यदि बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट के कुछ दूरी पे पाया जाता है, तो बताऊंगा आपको हेट्रोसिस्ट है क्या पर्टिकुलर। और देखो इसके भी दो कैटेगरी होते हैं, मैं नाम बता दे रहा हूँ बट बताऊंगा नहीं कि आगे क्या है, वैसे दो या तीन होते हैं। ठीक, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है हेट्रो, और तीसरा होता है स्पेशल पूडो। तो पूडो क्या है उनको बात करेंगे कभी बाद में, दोबारा किसी फंगस को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी आएगा, सॉरी एल्गी को पढ़ाऊंगा वहाँ पे आएगा तो हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं अगले नंबर की बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा सॉरी इसके बाद यहाँ पे तो अगले नंबर की बात करते हैं। तो सबसे सिंपल फॉर्म हमको नजर आता है
यहाँ पे अगले नंबर की बात करेंगे तो साइफोनियस फॉर्म है। देखो साइफोनियस जो फॉर्म होता है वो एक कह लो देखो इनके डिवाइडेबल पार्ट्स है नहीं, कैसे हैं इनके डिवाइडेबल पार्ट्स है नहीं, जो डिवाइडेबल पार्ट्स है नहीं तो इनमें इंट्रोडक्शन बस पढ़ना है हमको, दोनों का एग्जाम्पल देख लेना है, वैसे क्लास लंबा हो रहा होगा ठीक। तो हम क्या करते हैं इसको पहले सिंपल फॉर्म इसके तो है नहीं, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि इस प्रकार के एल्गी में जो हमारा थैलस होता है वो कैसा होता है, ब्रांचेज होता है, और सेप्टल होता है कैसा होता है, ब्रांचेज होता है, वो सेप्टल नहीं अनसेप्टल कंडीशन में होता है, और यहां पे मल्टी न्यूक्लियस कह सकते हो, कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ डेवलप होता है, कैसा होता है मल्टी न्यूक्लियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के साथ डेवलप होता है ठीक, इतना क्लियर होगा। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मतलब समझ रहे हो, ट्यूब लाइक ये इसमें ढेर सारे फाइबर से बने होते हैं, और जो इनमें न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस डिवीजन के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस डिवीजन तो इनमें हो जाता है बट यहाँ पे जो हमारा सेल वॉल होता है क्या होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल का डिवीजन नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पे संख्या न्यूक्लियस का ज्यादा बना रहता है। इस चीज को आपको याद रहे, यहाँ पे सेप्टा जैसे कंडीशन देखने के लिए बन जाते हैं, या सेप्टा कह सकते हो कि असेप्टाहीन है पाए जाते हैं, बट यहाँ पे सेप्टा जो है केवल एक ही कंडीशन में पाया जाता है, वो भी इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन के निर्माण में ठीक। तो क्लियर रहेगा कि इनके बॉडी में सेप्टा कंडीशन नहीं होते हैं, ये एसेप्टल होते हैं, बट इनमें जो रिप्रोडक्शन आर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन में सेप्टा कंडीशंस देखे जाते हैं, सेप्टा का निर्माण हो जाता है। यदि बात करेंगे एग्जाम्पल में तो इसके एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा नजर आता है वो सिंपल होता है वेट्री, क्या है वोट्रोडियम, वेट्रोडियम वैकेरिया, दो एग्जाम्पल है, वेट्रोडियम जो है वो एक एग्जाम्पल है, दूसरा वैकेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल कवर करता है। फिगर आपके पास यहां है, आप इसको फिगर को देख लीजिएगा। ये बात करते हैं नंबर अगले की पैरेकाइमी फॉर्म को, सबसे पहले पैरेकाइमन फॉर्म को देख लेते हैं, ये पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट नजर आ रहा है ठीक। अब देखो जब ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो इस जो हमारा एल्गी है यहाँ पे पैरेकाइमी थैलस का डेवलपमेंट होता है, यानी ढेर सारे फाइबर स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं, वो भी दो या दो से अधिक हो सकते हैं, कह सकते हो इसलिए ढेर सारे होते हैं, और जो इनमें लगातार डिवीजन होते रहते हैं, मतलब इनमें डिवीजन लगातार क्या होगा, लगातार डिवीजन होता है, जब लगातार डिवीजन होता है तो इनके जो संतति होते हैं मतलब कह सकते हो कि स्पेशल जो डॉटर सेल होते हैं, डॉटर सेल में और डॉटर सेल स्पेशली इनके बॉडी से अलग नहीं हो पाते, क्या होते हैं बॉडी से अलग नहीं हो पाते, जो नहीं होने की वजह से ये ढेर सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स के साथ निर्माण होते हैं, यानी उनके जो डॉटर सेल्स हैं उनके बॉडी से अलग नहीं हो पाते, तो वो उन्हीं के बॉडी में एक अलग से संरचना बनाते हैं, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बेस्ट एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं आलवा, आलवा या फिर सारगासम, सारगासम जो है या गैसम उसको कहते हैं, सारगासम जो है वो और आलवा इसके बेस्ट एग्जाम्पल नजर आएंगे। इसका भी फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसके फिगर को भी देख लीजिएगा, ये जो फिगर है ये आपके अलवा और सारगासम यानी ये पैरेकाइमी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता होगा। देखो पैरेकाइमी फॉर्म के जो स्पेशल ग्रोथिंग होती है वो एपिकल ग्रोथ होती है, क्या होती है एपिकल ग्रोथ होती है, जैसे हम फीमर की बात करेंगे, किसकी फीमर की बात करेंगे, और देखो ध्यान रखना ऐसे जो हमारे पैरेकाइमी एल्गी होंगे जिनके एपिकल फॉर्म में होगा ठीक, क्या होगा एपिकल फॉर्म में होगा, जिसको फीमर यानी फ्यूकस कहते हैं, फ्यूकस इसका बेस्ट एग्जांपल है, और डिक्टियोटा क्या है, डिक्टियोटा जो है उसका भी है, और कुछ हमारे जो होते हैं वो लेटरल फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं सॉरी इंटर कैलरी कह सकते हो, लेटरल दूसरा होगा, इंटर कैलरी फॉर्म करते हैं जिसमें लेमिनेरिया या लेमिनेरिया जो है उसका बेस्ट एग्जांपल नजर आता है। तो लेमिनेरिया जो है वो हमारे इंटर कैलरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है, यानी ऐसे लोगों में इंटर कैलरी फॉर्म नजर आते हैं ठीक। और इसके बेस्ट एग्जांपल कुछ और होते हैं, जैसे कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे ट्राइको क्या होता है, ट्राइकोथैलिक भी होते हैं, कैसे होते हैं ट्राइकोथैलिक होते हैं, जिनमें एग्जांपल की बात करेंगे तो स्पेशल पैरोफायरा, क्या है पैरोफायरा जो रोडोफाइटा का सबसे बेस्ट एग्जांपल नजर आता है। तो ऐसे ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट और जो एल्गी हैं वो अलग अलग थैलस कंडीशंस में बने रहते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ये पूरा क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हो सकता है क्लास लंबा हो गया होगा लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन इनमें से एमएससी एग्जामिनेशन में यदि आप बॉटनी देने जाते हो तो आता रहता है। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।